अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हेलो, हाय, कौन? जान के क्या करोगे यहाँ? किससे बात करनी है? तुम्हें फोन किया है तो जाहिर सी बात है, तुमसे बात करनी होगी। आई थिंक आपका रॉन्ग नंबर लग गया, सॉरी। यहाँ सहर, इज दैट यू? ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? और ये कौन से नंबर से कॉल कर रही हो? हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओहो, आज बहुत रोमांटिक हो रही तुम। हाँ, अपनी आंखें बंद करो। क्या हो गया सहर तुम्हें आज? मुझे महसूस करो तन्वेश। Really? Yes. वैसे एक बात बताओ, रात को तुम ऐसी कौन सी फिल्म देख रही थी जो फोन पर मैडम इतना ज्यादा रोमांटिक हो रही थी? हाँ, फिल्म रोमांटिक? ओ हेलो, मैंने कोई फिल्म विल्म नहीं देखी रात को। तो फिर? और ना ही मैंने तुम्हें फोन किया था। और ये ना, हाथ छोड़ो, कॉलेज है, सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दो ना सर, प्यार किया तो डरना कैसा, देखने दो सबको। ये प्यार व्यार की बातें ना घर चल कर करना, अभी लेक्चर्स है, चलो अभी चलो, लेट हो रहा है, चलो। कोई भविष्य नहीं इनका जी, देख रही है ये सब? मानो इस महाविद्यालय को करण जौहर चलाता है। 24 घंटे में 25 घंटे ये लोग रोमांस में घुसे रहते हैं। सब बदमाश स्टूडेंट ऑफ द ईयर। आप भी तो टीचर ऑफ द डिकेड है मिश्रा जी। थैंक यू। शर्माते भी तो गजब के। थैंक यू। हाय मिशु, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश होने की तो बात ही है बॉबी। आज मैडम रोज ने मुझे ऐसा कुछ कहा है कि मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा। क्या कहा उसने? मुझे उन्होंने कहा कि मैं टीचर ऑफ द डिकेड। क्या समझती है वो अपने आप को, बूढ़ियों की वो, उसका खान क्या क्या, 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 क्या मतलब डिकेड का मतलब? बूढ़ा कह गई बूढ़ा, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम तो मेरे लिए अभी भी जवान हो। आई लव यू मिश्री। Okay, students, it's time to reveal your marks. Test ke anusar, is baar kaafi students ne mujhe disappoint nahi kiya. Especially Rahul, you have given a really good performance. Good job. Thank you, ma'am. You have really satisfied me. Or Kiran and Neha, you were really amazing. Very good performance. Very close to 80% marks. Wow. Oh, wow. Thanks. Keep up. आप सब लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। यू गाइज हैव रियली डन अ वेरी गुड जॉब। डू यू वॉन्ट टू नो हु इज द टॉपर? वो है सरप्राइजिंगली। कौन कौन होगा? सहर। अ बिग क्लैप फॉर सहर। कांग्रेचुलेशंस सहर, you have really performed well. Thank you, miss. And we go to the next section. People who has not done fair, unme sirf teen hi log hai. Manu, ek tu hai. Ha, tu hai. Chal, tu hi hai. Wo hai
The first one is Anmol. मैंने बोला था ना तू ही है. Second one is Subha. And the last one is Tanvesh. Tanvesh? Will you guys please get up? So tell me, what should I do with you people? Should I call your parents? No, miss. Please, give us one chance. Please give us one chance. Please, शहर की तरह बन जाएंगे हम लोग भी. Best students. Please give us one chance, ma'am. Please. Fine. I give you a chance. Thank you, miss. और तन्वेश, तुम कुछ नहीं बोलोगे? What I say, ma'am? I can believe it. मैं कैसे फेल हो सकता हूँ? So you're challenging me, huh? क्या झूठ बोल रही हूँ? फॉल्स मार्क्स दी हूँ मैं? What do you mean, तन्वेश? तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी है? Tell me, answer me. You guys have failed. You should have shame on yourself. No, I'm sorry, ma'am. Actually, I'm upset. Sit down. Thank you, miss. यार मैं तन्वेश, तुम काउंसलिंग रूम में मिलना. After the class get finished, okay? मैं तुम्हारे सारे doubts clear कर दूंगी. Okay, ma'am. Yeah. I'm not trying to demoralize you, तन्वेश. तुम में capabilities हैं. देखो तन्वेश, professor होते हुए मुझे counselor की जिम्मेदारी इस कॉलेज ने दी है. और मैं भी चाहती हूँ कि कॉलेज का हर स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाए. यस मैम. तन्वेश, मैं ये जानती हूँ तुम्हारे साथ शहर का अफेयर चल रहा है और तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारना चाहते हो. डोंट यू थिंक दिस इज हैम्परिंग योर परफॉर्मेंस इन स्टडीज? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे आगे निकल जाए तुमको अच्छा लगेगा? जस्ट थिंक ओवर इट. नो तन्वेश, इसलिए मैं जैसा चाहती हूं तुम वैसा ही करो. तुम्हें मेरी ट्यूशंस की, मेरी गाइडलाइंस की, एक्सपीरियंस की सख्त जरूरत है. तुम्हें मैं इतना परफेक्ट बना दूंगी कि तुम में कोई खामियां नहीं होगी. आई ऑलवेज वांट टू सी यू ऑन द टॉप. सो फ्रॉम टुडे आफ्टर द क्लास फिनिशेस तुम मेरे घर आना. मैं तुम्हें प्राइवेट ट्यूशंस दूंगी. Yes, ma'am. Nice of you. Kama Sutra. Oh. You liked it? मैम वो मैम रिलैक्स पिक इट अप. Interesting, huh? A sex education book written by Watsiana. Well,
अनफॉर्चुनेटली तनवेश, हमारे देश के लोग जितने हिपोक्रेट हैं, हमारा कल्चर उतना ही एडवांस रहा है। जीवन के चार सार, धर्मा, अर्थ, कमा, मोक्ष। गौर करो, मोक्ष, दैट इज डिवाइन फ्रीडम, कम्स जस्ट आफ्टर कमा, दैट इज सेक्सुअल डिजायर। कामा सूत्रा, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कामा सूत्रा? Kama means sex. Sutra means thread. The thread that weaves people together using sex. Tumne kabhi sex kiya hai? Don't hesitate. Treat me as your friend. Maine nahi kiya. Quite surprising. Tumhari girlfriend hote hue bhi, you are still a virgin? Well, Sahar is conservative, so sab kuch shaadi ke baad, you know. She is right in a way. Jis tarah se insaan ko khana khane ki zarurat hoti hai, usi tarah se sex is a need. Anyway, we will talk about this later. अब अपनी बुक्स निकालो।